अगर बात की जाए कि सुनवाई कितने बजे होगी, तो पिछली बार चीफ जस्टिस ने बात कही थी कि सबसे पहले इस मामले पर हम सुनवाई करेंगे ताकि दोपहर लंच से पहले तक इस पूरे मामले का निपटारा किया जा सके। यानी एक उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि आज कोई बड़ा और अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। ये बात मैं इस आधार पर भी कह रहा हूँ क्योंकि पिछली बार सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से ये बात कही गई थी कि काउंसलिंग जो है वो बुधवार से शुरू हो सकती है, यानी दो दिन का वक्त है। क्योंकि जब याचिकाकर्ता ने बोला था सुप्रीम कोर्ट को कि आप सबसे पहले काउंसलिंग पर रोक लगा दीजिए, यानी अगर काउंसलिंग शुरू ना हो तो बच्चे रीनीट की मांग उठा सकेंगे। एक बार काउंसलिंग शुरू हो गई, जब बच्चों ने लाखों रुपए फीस और लाखों रुपए डोनेशन दे दिया, तो उसके बाद शायद रीनीट की जो ये मांग है वो कमजोर पड़ जाए। ऐसे में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से कहा गया था कि बुधवार से पहले काउंसलिंग शुरू नहीं होगी, बुधवार को सरकार ये सोचेगी कि आखिर काउंसलिंग कब और किस प्रकार से शुरू करनी है, और उसके बाद भी ये जो पूरी प्रक्रिया है काउंसलिंग की ये एक महीने तक चलेगी। यानी बुधवार तक का वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास अभी भी मौजूद है काउंसलिंग पर रोक लगाने के फैसले पर अपना जवाब देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई होनी है वो होनी है एनटी के द्वारा जो रिजल्ट दायर किया गया था उसके आधार पर जो याचिकाकर्ता सवाल करने वाले हैं उसको लेकर, क्योंकि पिछली बार याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया था कि बहुत सारी अनियमितताएं हैं जो एनटीए ने अपने कहीं एफिडेविट में साझा नहीं की है। अपने एफिडेविट में बहुत सी बातें एनटीए ने छुपाने की कोशिश की। एक जिक्र उन्होंने किया था बहादुरगढ़ के एक स्कूल का, जहां पर उन्होंने बताया था कि जिस प्रकार से उस पूरे क्षेत्र में हर जगह एसबीआई बैंक से क्वेश्चन पेपर पहुंचता है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर ऐसा स्कूल है जहां पर कैनरा बैंक से क्वेश्चन पेपर पहुंचा और वहां पर 6 बच्चे ऐसे थे जिनके 720 से 720 अंक आए। ये बात अपने हलफनामे में एनटीए ने छुपाई, ये आरोप लगाया था याचिकाकर्ता ने, और बहुत बड़ा आरोप भी था। चीफ जस्टिस ने यह आदेश दिया था कि शनिवार दोपहर 12 बजे तक एनटीए सार्वजनिक करेगा उन सभी रिजल्ट को दो तरीकों से। पहला होगा शहर के हिसाब से, यानी कि शहर में कितने बच्चों ने कितने अंक प्राप्त किए। दूसरा होगा केंद्र के हिसाब से कि किस केंद्र पर कितने बच्चों ने कितने अंक प्राप्त किए। और इसमें एक अहम टिप्पणी ये भी की गई थी कि इन दोनों रिजल्ट को मार्क किया जाएगा, यानी जो बच्चों की आइडेंटिटी है उसको रिवील नहीं किया जाएगा, जो रोल नंबर है उनको फॉर्ज करके पेश किया जाएगा। अब अनियमितताओं के आधार पर याचिकाकर्ताओं को क्या ऐसी चीजें दिखी है जो उनको संदेहास्पद लगती है कि जिन पर उन्हें संदेह हो सकता है, वो आज कोर्ट में पेश की जाएगी और उन सभी मुद्दों पर एनटीए से आज जवाब मांगा जाएगा। जी, क्योंकि एनटीए और केंद्र सरकार दोनों की तरफ से ये कहा गया था कि बहुत बड़े स्तर पर धांधली नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो पूरी लिस्ट चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व रहे, और अगर ये बड़े स्तर पर हुआ है तो ये हो भी सकता है कि दोबारा एग्जाम का आदेश देना पड़े। अब इन सबके बीच में ही जो अलग अलग याचिकाएं हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है, और जैसा आयुष ने कहा दोपहर से पहले सुप्रीम कोर्ट की ये कोशिश रहेगी कि इस पूरे मामले का निपटारा हो। साथ ही साथ काउंसलिंग को लेकर जो चीजें अभी अटकी हुई हैं उस पर भी कई स्टूडेंट्स का ध्यान है। लेकिन आयुष, बात ये भी है कि सीबीआई ने जिस तरीके से अभी तक इन्वेस्टिगेशन की है और जिस तरीके से अब तक इतनी ज्यादा गिरफ्तारियां और अलग अलग करीब करीब 7 राज्य है जहां लिंक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये सभी चीजें भी तो कोर्ट में पहुंच रही हैं। जब ये सभी चीजें कोर्ट में ध्यान दी जा रही हैं या फिर कोर्ट के संज्ञान में है, तो धांधली तो बहुत बहुत बड़े स्तर पर हुई है। तो क्या इस चीज की कोई भी पॉसिबिलिटी है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं कि दोबारा से होगा एग्जाम? जी देखिए, जिस प्रकार से अभी आपने बताया कि एनटीए और सरकार दोनों ने ये बात कही कि जो धांधली है वो बड़े स्तर पर नहीं हुई, इसमें एक थोड़ी सी त्रुटि थी। सरकार ने ये बात बोली है आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट के हवाले से कि जो धांधली है, जो त्रुटि है, वो बड़े पैमाने पर नहीं हुई, जबकि एनटीए ने तो ये बात कभी मानी ही नहीं कि कोई भी धांधली हुई है। एनटीए तो हमेशा से ये बात बोलता आ रहा है कि जो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें नीट यूजी 2024 का पेपर लीक होता हुआ साफ साफ दिख रहा है वो फेक है, वो एडिट की गई है। और इसके साथ साथ ही अपनी बात को प्रूव करने के लिए एनटीए ने एक यूट्यूब वीडियो का लिंक भी अपने हलफनामे में डाला है, और उस यूट्यूब वीडियो में ये दिखाया गया है कि कितने आसानी से किसी भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को आप एडिट करके उसे फेक बना सकते हैं और वो बिल्कुल ओरिजिनल जैसा लगेगा, जिससे बच्चों में ये भ्रांति फैल जाए कि नीट यूजी 2024 का पेपर लीक हुआ। यानी सरकार और एनटीए दोनों के यहाँ पर जो स्टैंड है उनमें थोड़ा सा विरोधाभास तो नजर आ ही रहा है। एनटीए सरकार ने जो ये बात बोली थी कि आईआईटी मद्रास की जो रिपोर्ट है वो ये दर्शाती है कि जिन स्थानों पर बच्चों के अंक ज्यादा आए हैं सामान्य से, उसका कारण ये है कि वहां पर कोचिंग सेंटर ज्यादा थे। यानी कोचिंग सेंटर ज्यादा होने की वजह से वहां पे बच्चे जो थे वो ज्यादा अच्छी पढ़ाई ले पा रहे थे और इसी के चलते उनके अंक जो है वो सामान्य से ज्यादा आए। करते हैं कि आज की सुनवाई को लेकर, आज की सुनवाई महत्वपूर्ण इसीलिए भी है क्योंकि देखिए काउंसलिंग 2 दिन बाद शुरू हो जाएगी और काउंसलिंग से पहले कहीं ना कहीं रोक लगाने की मांग जो याचिकाकर्ता कर रहे हैं
33 याचिकाओं को सेटिस्फाई करना भी सुप्रीम कोर्ट का काम है। आपके तीसरे सवाल की तरफ मैं आता हूं, जब आपने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जो कदम है वो एग्जाम कैंसिल करने की ओर नजर आ रहे हैं, देखिए इसमें भी दो बातें हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले एक बात कही थी कि अगर इस पूरे एग्जाम की प्रक्रिया में हमें 0.01% डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो हम कोई कड़ा फैसला लेंगे, लेकिन वो कड़ा फैसला क्या होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट पूरी परीक्षा को रद्द कराकर रीनीट 2024 की मांग पर सहमति जताएगा, या फिर किसी और तरीके से हम देख सकते हैं कि कोई कड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट लेगा। तो वही दूसरी ओर बात करें कि अगर सुप्रीम कोर्ट का मूड क्या लग रहा है, देखिए मैं इस केस से शुरुआत से जुड़ा हुआ हूं और लगातार हर हियरिंग सुप्रीम कोर्ट की मैं अटेंड करता हूं, सुनता हूं। अगर मैं बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट फिलहाल रीनीट के फेवर में नजर नहीं आ रहा है, इसका कारण भी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है कि हमें पहले तीनों के हलफनामे चाहिए, केंद्र का, एनटीए का और सीबीआई का, और तीनों के हलफनामे के आधार पर हम ये डिसाइड करेंगे कि जो ये लीक है ये कितने बड़े पैमाने पर हुआ। अगर लीक एक शाम पहले होता है और सोशल मीडिया पर होता है तो ये जंगल की आग की तरह फैलेगा, ऐसे में हम सोच सकते हैं कि शायद पेपर को कैंसिल किया जाए। लेकिन अगर ये महज 3-4 घंटे पहले ही लीक हुआ है और कुछ चुनिंदा बच्चों तक, कुछ चुनिंदा सेंटर तक पहुंच पाया है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनकी वजह से 24 लाख बच्चों का। सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें हैं आयुष, और आप कह रहे हैं दोपहर से पहले बहुत हद तक संभव है कि सुप्रीम कोर्ट किसी निर्णायक मोड पर भी पहुंचे, तो आयुष नजर आप बनाए रखिएगा, इस खबर से जुड़ा आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया। रितेश का मैं रुक कर लेती हूँ। रितेश, चूंकि यहां ये साबित करने की कोशिश हो रही है कि ये सब कुछ ऑनलाइन हो गया, एआई के जरिए हो गया, ये दिखाने बताने की कोशिश हो गई कि 2024 में पेपर लीक हुआ है, जबकि एनटीए दावा कर रहा है कि ऐसा नहीं है, फिर उन पेपर्स का क्या जो कि जली हुई हालत में मिले? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल उठता है कि एनटीए आखिर एक तो चोरी, दूसरी सीना चोरी किस तरह से क्यों कर रहा है, क्योंकि बगैर अगर कुछ गड़बड़ नहीं था तो मामले की जांच सीबीआई में नहीं होती, मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता, इसका ट्रायल वहां पर नहीं होता, तो आखिर एनटीए क्यों अड़ा हुआ है, इसी को लेकर सवाल उठ रहा है। और सवाल इसलिए भी उठ रहा है तो कि क्या एनटीए के अधिकारियों की इसमें भूमिका रही है, जिसकी वजह से वो मानने को कतई तैयार नहीं है कि नीट में पेपर लीक हुआ है, इतने सारे सबूत जले हुए बुकलेट, इतने सारे डॉक्टरों की गिरफ्तारी, इतने सारे लोगों की गिरफ्तारी, छात्रों की गिरफ्तारी, तो ये क्या सारी चीजें झूठ है, क्या सीबीआई जो है ऐसे ही इस मामले की जांच कर रही है? तो इसी को लेकर जो छात्र हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि जब इतनी सारी गिरफ्तारियां, चाहे वो पटना हो, वो हजारीबाग हो, वो रांची हो, वो गोधरा हो, वो हरियाणा हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, इतने सारे जगहों की संलिप्तता निकल कर सामने आई है, इतने लोगों की अरेस्टिंग हुई है, तो क्या ये सारी चीजें झूठ है? और यही कारण है कि बार बार जो छात्र हैं उनका कहना है कि नहीं, अब जब स्थिति इतनी कंफ्यूजिंग है जहां कुछ नहीं क्लियर हो पा रहा है, ऐसे में बस अब रीनीट ही उनकी लास्ट डिमांड है। जी ठीक है रितेश, ऐसे बहुत से सवाल हैं जो अभी जिनका जवाब मिलना बाकी है, सीबीआई जांच को आगे बढ़ा रही है, वहीं सुप्रीम कोर्ट 40 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हो सकता है आज किसी निर्णायक मोड़ की तरफ आगे बढ़े, नजर आप रखिएगा रितेश, जो भी अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए ये अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया आपका।